फंगस है बच्चों, ये क्या है? कॉस्मोपॉलिटिन है। जो ब्रेड स्लाइसेस आप खाते हो, इनमें जो पोर्स होते हैं वो क्यों प्रेजेंट होते हैं? जो टूथस्टूल है बच्चों, वो पॉइजनस है, वो हम नहीं खा सकते। मशरूम्स के बारे में एक मिथ है कि जो मशरूम्स होती हैं वो हैवी रेन के बाद जब जंगलों में ग्रो करती हैं वो रिंग्स फॉर्म कर देती हैं जिनका डायमीटर सेवरल मीटर्स तक का होता है, और इन्हीं रिंग्स को फेरी रिंग्स बोला जाता है। अब ये रिंग्स क्यों बनती हैं? स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन में। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंडर फंगस के बारे में। तो जो फंगस है बच्चों, वो काफ़ी तरह की है, तो उसके कुछ कैरेक्टर्स इस लेक्चर में हम जानेंगे, देखेंगे कि कौन सी फंगस जो है वो एडिबल है, कौन सी फंगस जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, और कौन सी फंगस जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो चलिए करते हैं शुरू। बच्चों, जो फंगस वर्ड है वो ग्रीक वर्ड माइक से आया है, जिसका मतलब क्या है? मशरूम्स। तो जो फंगस है बच्चों, वो एक यूनिक किंगडम फॉर्म करती है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है? यूकैरियोटिक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो इस किंगडम के अंडर आते हैं, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इन ऑर्गेनिजम्स के पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, बट इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ये बात आप याद रखोगे, तो यहीं पर नोट कर लो, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। आगे बात करते हैं, ये क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के बाहर ही, एक्सटर्नली, और वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली अपनी सेल वॉल्स के थ्रू। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। जो फंगस है बच्चों, इसके पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी मॉर्फोलॉजी में, मतलब इसकी आउटर अपीयरेंस के बेसिस पर हम देखेंगे कि जो फंगस है वो काफी तरह की आपको नजर आएगी। जो फंगस है बच्चों, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह की जो फंगस है वो डिफरेंट तरह के हैबिटेट में रहती है। तो ये बेसिकली क्या है? कॉस्मोपॉलिटिन है। कॉस्मोपॉलिटिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फंगस है वो आपको एयर में भी मिल सकती है, वो आपको वाटर में भी मिल सकती है, वो आपको सॉइल में भी मिल सकती है, और एज अ पैरासाइट ऑन द बॉडी ऑफ प्लांट भी मिल सकती है, या फिर ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स ये आपको देखने को मिल सकती है। तो जो फंगस है बच्चों, ये क्या है? कॉस्मोपॉलिटिन है। इसका हैबिटेट कहीं पर भी हो सकता है, एयर में भी हो सकता है, वाटर में भी, सॉइल में भी, प्लांट्स की बॉडी पर भी ये रह सकती है, और एनिमल्स की बॉडी में भी ये रह सकती है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंगस। तो इतना आपने याद रखना है बच्चों। जो फंगस है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है, हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो जो बेनिफिशियल है वो कैसे बेनिफिशियल है? वो हमारे फूड प्रोडक्ट्स बनाने में हमारी हेल्प कर सकती है, जैसे कि ब्रेड बनाने में हमारी हेल्प करती है, हमें बियर बनाने में हमारी हेल्प करती है। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर ईस्ट की हम बात कर रहे हैं। यूनिसेलुलर ईस्ट सैक्यूरोमाइसिस सैलिवेसी जो है वो हम यूज करके इन फूड आइटम्स को हम बना सकते हैं। ये बात याद रखना, फंगस जो है बच्चों वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, वो मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। अब यूनिसेलुलर में हम पढ़ेंगे ईस्ट के बारे में, और मल्टीसेलुलर के अंदर हम पढ़ेंगे मोल्ड के बारे में। तो यहाँ पर जो फंगस यूज हुई है वो क्या है बच्चों? वो है यूनिसेलुलर। इतनी बात याद रखना आप लोग। तो इसकी वजह से ही, और एक बात आपको मैं और बताना चाहूंगी कि जो ब्रेड्स होते हैं, जो ब्रेड स्लाइसेस आप खाते हो, इनमें जो पोर्स होते हैं वो क्यों प्रेजेंट होते हैं? अब यही जो फंगस है बच्चों, जब ये अपनी रेस्पिरेशन करती है
तभी एनारोबिकली रेस्पिरेशन करती है, जब वहाँ पर इथेनॉल फॉर्म होगी और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, तो जो वो डो के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है, जब वो वहाँ से एस्केप करने की ट्राई करेगी, तब वहाँ पे क्या हो जाएंगे, होल्स फॉर्म हो जाएंगे। अब एक और बेनिफिट की बात करेंगे जो हमें इस फंगस से है, वो क्या है कि जो फंगस है वो हमें एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हेल्प करती है। एंटीबायोटिक्स क्या है? कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ फाइट करने के एबल बनाती हैं। अब जो ये एंटीबायोटिक्स हैं, अब इन एंटीबायोटिक्स में कौन सी फंजाई की बात हम करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं पेंसिलियम की। किसकी बात करने वाले हैं? पेंसिलियम की। अब यही जो पेंसिलियम है वो हमें पेंसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करती है, जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ लड़ने में हेल्प करती है। अब यही जो फंगस है वो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर कुछ डिजीज कॉज कर देती है, जैसे कि प्लांट्स की केस में ये रस्ट कॉज कर देती है, जो ये आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों? ये रस्ट है। ये क्या है? रस्ट है। और किसकी वजह से होती है? पिक्यूनिया की वजह से। इसके लिए ये फंगस रिस्पॉन्सिबल है, ये बात आप याद रखोगे। बढ़ते हैं अब आगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर फंगस के हमें कुछ बेनिफिट्स हैं, तो वहीं ये अपने हार्मफुल इफेक्ट्स भी पोज करती है। अब एक और एग्जांपल भी है, जो टोडस्टूल्स होती हैं, जो रेड कलर में आपको मशरूम दिखाई देती है, जिसके ऊपर वाइट से आपको डॉट्स भी दिखाई देंगे, कार्टून यूजुअली उसको एज अपनी अम्ब्रेला यूज करते हुए दिखाई देते हैं टीवी में, हम जब भी कभी शो देखते हैं, तो वो जो टोडस्टूल है बच्चों वो पॉइजनस है, वो हम नहीं खा सकते। उसकी बात हम इस हार्मफुल फंगस के अंडर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अभी आगे। तो अभी हम बात करेंगे कि जो किंगडम फंजाई है उसके अंडर कौन कौन सी टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसके अंडर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ेंगे, इसके अंडर हम मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ेंगे, इसके अंडर हम फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ेंगे। अब इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल से बना हुआ भी हो सकता है। अगर एक सेल से बना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। अगर वो काफ़ी सेल से बना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेल्यूलर। अब यही जो फंगस है वो फिलामेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, धागे धागे लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, जिनको हम हाइफे बोलते हैं, और उन्हीं हाइफे के नेटवर्क को हम माइसीलियम बोलते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ राइजोपस। तो ये बातें हमने याद रखनी है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट जो फंगस हैं उनकी फोटोग्राफ्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो सबसे पहले आपको ये वाली फोटो दिख रही है, ये क्या है? ये है एस्परजिलस, जो कि हमने डिफरेंट जिसके अंदर क्या होता है कि जो इसके स्पोर्स हैं वो इसके आउटर सरफेस पर बाहर की तरफ बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब एक्सोजीनियसली इसके जो स्पोर्स हैं वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट पेंसिलियम भी ऐसी ही एक फंगस है जिसमें इसके स्पोर्स जो है वो एक्सोजीनियसली फॉर्म होते हैं। और ये है एगारिकस, जो कि मशरूम्स की कैटेगरी में से है, जिसके जो स्पोर्स हैं वो इन एरियाज में जिनको गिल्स हम बोलते हैं उसमें फॉर्म होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट शेप्स हैं फंगस की। तो इसके अलावा भी कुछ और शेप्स हैं जो फंगस बेयर कर सकता है, उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अगर बात करें फंगस के स्ट्रक्चर की, तो फंगस के स्ट्रक्चर में हमने जब 10th क्लास में थे इतना पढ़ा था, जब हम ब्रेड मोल्ड की बात करते थे, कि फंगस जो है उसके पास एक मेन स्टेम होती है जिसमें से हाइफे अराइज होते हैं, कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अराइज होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एक गोल सा स्ट्रक्चर, जिसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे? स्पोरेंजियम। तो अगर उसी डायग्राम को एक बार फिर से रिकॉल करें तो हम क्या बनाएंगे? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर भी बन जाता था। अब ये क्या थी? मेन स्टेम थी इसकी, और इसके ऊपर ये क्या था बच्चों? ये थे हाइफे। ये क्या थे? हाइफे। अब यहाँ पर हम इन्हीं हाइफे के बारे में बात करने वाले हैं।
जो हाइफे है उनमें अगर तो सेप्टम प्रेजेंट है तब हम उनको बोलेंगे सेप्टेट, अगर नहीं प्रेजेंट है सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में तो उसको हम क्या बोलते हैं एसेप्टेट। अब बच्चों जिन ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में मतलब हाइफे के अंदर अगर सेप्टम प्रेजेंट नहीं है बट न्यूक्लियस काफी प्रेजेंट है मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड ये स्ट्रक्चर है तब हम इनको क्या बोलते हैं कोइनोसाइटिक हाइफे। क्या बोलते हैं हम इनको कोइनोसाइटिक हाइफे। तो आपने याद रखना है कोइनोसाइटिक का क्या मतलब है कि इसके अंदर क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अभी हम बात करने वाले हैं आगे सेल वॉल के बारे में कि जो फंगस है बच्चों उसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, ये बात आपने याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो फंगाए है उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है या अपना वो खाना कैसे खाती है। अब भाई जो फंगस है वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करती है, खुद से खाना नहीं बनाती। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने खाने के लिए डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो फंगस है अब जब वो दूसरों पर डिपेंड कर रही है तो वो भी क्या कर रही है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब उसके अंदर भी इसके सब टाइप्स हैं, ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकती है, ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकती है और ये सिम्बायोसिस भी शो कर सकती है। अब इसका क्या मतलब है सेप्रोफाइटिक मोड के अंदर जो फंगाई है वो क्या करेगी फीड करेगी किसके ऊपर डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, मतलब जो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है उससे अपनी एनर्जी ले सकती है या जो मटीरियल्स गल रही है उनसे ये अपनी एनर्जी ले सकती है। तो ये बेसिकली डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करती है जब ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती है। तो इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्रेड मोल्ड की। 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि ब्रेड के ऊपर एक मल्टी सेलर जो फंगाई है वो ग्रो करती है जिसका क्या नाम था राइजोपस, तो हम इसे याद करेंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप की जो कि क्या है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या है कि जो फंगाई है वो अपने फूड एंड अपने शेल्टर के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है। तो ऐसा जो मोड है न्यूट्रिशन का उसके लिए एग्जांपल में हम याद कर सकते हैं अल्ब्यूगो। तो ये एक ऐसी फंगाई है या फंगस है जो मस्टर्ड लीव्स के ऊपर ग्रो करती है, मस्टर्ड लीव के ऊपर ग्रो करती है, वहां पर ये वाइट वाइट से स्पोर जैसे कुछ या वाइट वाइट कलर के स्पॉट्स ये बना देती है। तो ये क्या है पैरासिटिक फंगाई की एग्जांपल है। अब बढ़ते हैं थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ जो कि क्या है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है जो कि क्या है सिम्बायोसिस। इसमें क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहेगा तो सिम्बायोसिस करेगा। जैसे कि अगर फंगस जो है वो किसके साथ रहे एल्गा के साथ रहे तो ऐसी जो इनकी एसोसिएशन में है जिसमें से एल्गा जो है वो इसे एनर्जी देता है या फूड देता है और फंगस इन रिटर्न इसको कुछ एनर्जी देती है। तो ये क्या है ये है सिम्बायोसिस। और ऐसी फंगस एंड एल्गा के बीच में जो ये सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसको हम क्या बोलते हैं कि ये लाइकेन फॉर्म हो गई है। ये क्या है लाइकेन। अब अगर फंगस जो है वो प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंड करे मतलब प्लांट्स के साथ रहे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में तो क्या होगा कि प्लांट रूट्स के साथ अगर ये रह रही है तो उसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो प्लीज ये आपने याद रखना है कि लाइकेन क्या है या फिर माइकोराइजा क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। नेक्स्ट है भाई बच्चों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो ये फंगस है बच्चों फंगस जो है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है और ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो कर सकती है।
अगर फंगस वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रही है तब ये अपनी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उनमें से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर सकती है। तो ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी अपना रिप्रोडक्शन कर सकती है। और दूसरा, इसके अंडर ये बर्डिंग भी कर सकती है जैसे कि ईस्ट के अंदर होता है। तो एक अलग से इसकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, फिर वो इसकी बॉडी में से डिटैच हो जाएगा और जिधर भी जाकर के वो गिरेगा वहां से वो एक नया जो है फंगस या नई फंगाई को जन्म दे देगा। तो नेक्स्ट जो है फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग के बाद लास्ट इसमें क्या है? फिजल। तो ये क्या करती है? अपनी बॉडी को टुकड़ों में डिवाइड करेगी, दो टुकड़ों में डिवाइड करेगी और वहां से क्या है नए इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएंगे। तो ये फिजन की हेल्प से भी रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो ये तीनों के तीनों जो मेथड्स हैं वो किसके अंडर पढ़ने हैं हमने? वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंडर। तो बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंडर ये कुछ स्पोर्स बनाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे एस्कोस्पोर्स या उनको हम बोलेंगे बैसिडियोस्पोर्स, बैसिडियोस्पोर्स या उनको हम बोलेंगे ओस्पोर्स। तो इनके थ्रू ये अपनी क्या करेगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। तो बच्चों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये बनाएगी कुछ स्पोर्स जिनको हम बोल सकते हैं कॉनिडिया। अब इन्हीं कॉनिडिया को बोला जा सकता है ज़ूस्पोर्स या फिर एप्लैनोस्पोर्स, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? जिनको क्या बोला जा सकता है? ज़ूस्पोर्स या फिर एप्लैनोस्पोर्स। तो इनके थ्रू ही अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो कैरी आउट कर सकती है। तो जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी तो ये कॉनिडिया फॉर्म करेगी जिनको हम क्या बोल सकते हैं ज़ूस्पोर्स या फिर एप्लैनोस्पोर्स। तो इतनी बात हम याद रखेंगे और डिफरेंट टाइप की जो फंगाई है उनके केस में हम देखेंगे कि कैसे वो रिप्रोड्यूस करती है, वो सेक्सुअली कर रही है या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है या फिर वो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, जो फंगस है, अब इसकी हम पढ़ेंगे टाइप्स की, जो फंगस है वो कितने तरह की है। जो फंगस है बच्चों, बेसिकली उसको हमने चार कैटेगरीज में रखा है। वो कौन सी कैटेगरीज है बच्चों? एक है सबसे पहले फाइकोमाइसीट्स, दूसरी है बच्चों एस्कोमाइसीट्स, तीसरी है बैसिडोमाइसीट और चौथी है ड्यूटेरोमाइसीट। जो सबसे पहले आपको दिख रही है बोर्ड पर फाइकोमाइसीट्स, इसके अंडर जो आपको ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हुए स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन सी फंगस है? ये है बच्चों राइजोपस। तो राइजोपस क्या है बच्चों? एक मल्टी सेलर फंगाई है जो कि जिसकी एग्जांपल हमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, जिसको हम बोलते थे राइजोपस, जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो करती थी, हमने वहां पर पढ़ा था। तो बेसिकली जो ये फंगस है ये क्या करती है? बेसिकली डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करती है। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक ब्रेड के ऊपर, तो जो ब्रेड खराब हो चुका है उसके ऊपर ये ग्रो कर रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एस्कोमाइसीट। तो जो एस्कोमाइसीट है बच्चों, ये डेलिकेसीज में आती है, मतलब ये कुछ थोड़ी ज्यादा ही एक्सपेंसिव काइंड की फंगस है जिसको हम खा भी सकते हैं। ये बच्चों बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, ये इसको डेलिकेसी के रूप में जाना जाता है। तो ये बच्चों, इसकी काफ़ी मेडिसिनल इम्पैक्ट है ऐसा बोला जाता है। तो जो हिमाचल वगैरह के मतलब साइड के हिली एरियाज हैं वहाँ पर जब विंटर के बाद स्नो जो है वो हटती है तो वहाँ पर ये ग्रो करती है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो इसको कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर वो इसको स्टोर कर लेते हैं। अगर इसको ये मिल जाती है तो फिर इसको वो ऐसे भी रखते हैं स्टोर करके कि इसका पानी जिसमें इसको वॉश करके वो यूज़ करते हैं, इसका पानी तक नहीं गिराते वो, क्योंकि वो मानते हैं कि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। तो
इसको फिर ड्राई करके फिर से सुखा करके रख लिया जाता है उसको, इसको ऐसे मतलब सब्जी वगैरह में डाल करके इसको बॉईल करके उसमें से दोबारा से निकाल करके उसका एक्सट्रैक्ट वो मानते हैं कि उसमें ऐड हो गया है, फिर उसको रीयूज करते रहते हैं। तो नेक्स्ट जो है बच्चों वो क्या है, बैसिलोमाइसिस। इसके अंदर हमने पढ़ना है मशरूम्स के बारे में। किसके बारे में? मशरूम्स के बारे में देखेंगे कि कौन सी मशरूम्स जो है वो एडिबल है और कौन सी नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटेरोमाइसिट्स। ये क्या है? कुछ ऐसे फंगस हैं जिनको फंगस कहलाने का हक नहीं है बट फिर भी ये फंगस है। इसके अंदर जो ये आपको ग्रीन कलर में ये दिखाई दे रहा है ना ग्रो करा हुआ, ये क्या है? ये फंगस ही है। ये ट्राइकोडर्मा की एग्जाम्पल है बच्चों, ट्राइकोडर्मा। आई होप आपको फोटोग्राफ से कुछ तो एग्जाम्पल्स जो है वो याद हो गई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसीट्स से, जिनको हम जाइगोमाइसीट्स भी बोल सकते हैं। अब यही जो फंगस है वो कहां पर मिल रही है? ये एक्वाटिक इन नेचर है, एक्वाटिक एनवायरमेंट में मिलेगी, मॉइस्ट सॉइल में मिलेगी, ये मॉइस्ट वुड के ऊपर मिलेगी, डिकेइंग मैटर के ऊपर मिल सकती है हमें, डिकेइंग वुड के ऊपर मिल सकती है ये, और ये डैम्प प्लेसेस पर मिलेगी, डैम्प प्लेसेस पर, शेडी एरिया और जिसपे मॉइस्चर काफी हो वहां पर ये मिलेगी। तो ये क्या है? इसका हैबिटेट है, ये कहाँ पर मिलती है ये हमने बताया है। और ये पैरासिटिक इन नेचर है, तो ये क्या करती है बच्चों? वेट अ सेकेंड। जो ये फंगस है बच्चों ये सेप्रोफाइटिक इन नेचर है। सेप्रोफाइटिक मतलब ये अपने खाने के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करती है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ये फीड करती है और फिर वहां से ये अपनी एनर्जी जो है वो गेन करती है, इतना हम याद रखेंगे। अब इसी फंगस की जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये फंगस जो है बेसिकली रिप्रोड्यूस कैसे करती है? ये दोनों ही मोड रिप्रोडक्शन के फॉलो करेगी, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है एंड एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है। रिप्रोड्यूस कैसे कर सकती है? ये सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, तो इतनी बात हम याद रखेंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बच्चों ये सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही फॉलो कर सकती है। जब ये एसेक्सुअल मोड फॉलो करती है तब तो ये फंगस क्या करती है, अपने ऐसे जो हाइफास हैं उनके ऊपर क्या करती है, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेती है जब इसके अराउंड क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो ये क्या करती है, यूजुअली मोस्टली ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही फॉलो करती है। जब इसको लगता है कि अभी मरने वाली है तब ये क्या करती है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करती है। मतलब यूजुअली थ्रू आउट द लाइफ ये क्या करेगी, सेक्सुअल सॉरी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और बाद में कहीं जाकर के ये क्या करती है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करेगी बच्चों, जब ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करेगी बच्चों तब ये अपने हाइफा के ऊपर कुछ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेगी और उनके अंदर ये क्या करेगी, स्पोर्स फॉर्म कर लेगी। तो अपने अंदर क्या कर लेगी, ये स्पोर्स ऐसे फॉर्म कर लेगी। जैसे ही इसके अराउंड कंडीशंस इसके फेवर में होंगी तब ये जो स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर्स पड़े थे वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और वहां से स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे और वही जो स्पोर्स हैं फिर जर्मिनेट कर जाएंगे और एक नया माइसीलियम बना देंगे। माइसीलियम क्या होता है बच्चों? नेटवर्क ऑफ हाइफे। तो वही जो माइसीलियम है फिर वहां से एक नई जो फंगस है वो ग्रो कर जाएगी। ये क्या था इसका, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक बात आपने याद करनी है या याद रखनी है कि जितने भी लोअर प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गा हो गया या ब्रायोफाइट्स होंगे या टेरिडोफाइट्स होंगे, उनकी जो बॉडी होगी वो उसकी प्लॉयडी क्या होगी, वो हैप्लॉयड होंगे। बट जो आपके हायर प्लांट्स हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, उनकी बॉडी की प्लॉयडी क्या होगी, वो डिप्लॉयड होंगे। अब यहाँ पर भी तो ये क्या थी, ये
शुरू में भी क्या थी, हैप्लोइड थी, तो हैप्लोइड से हैप्लोइड स्ट्रक्चर ही फॉर्म हुआ। अब बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर क्या होता है कि एक फंगस का जो हाइफे है वो दूसरी फंगस के हाइफे के साथ मेट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही माइसीलियम के दो हाइफे आपस में कंबाइन हुए, ऐसा नहीं है। एक फंगस के माइसीलियम का कोई एक हाइफे दूसरी फंगस के माइसीलियम के किसी और हाइफे के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो जब वो कंबाइन करेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटिंग। तो मेटिंग करके बच्चों ये एक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटेंजिया। अब यहां से क्या होता है, जो ये वाला हाइफे है वो अपने न्यूक्लियस जो है इसमें दे देगा और ये वाला यहां पर इसको दे देगा। अब बच्चों यहां पर क्योंकि ये हाइफे जो है वो क्या थे, वो हैप्लॉयड थे, तो यहां पर बच्चों गैमेट फॉर्म नहीं होंगे। यहां पर जो न्यूक्लियस है वही एज अ गैमेट एक्ट करेगा, ये बात हम याद रखेंगे। तो यहां से ये वाला जो हाइफे है वो भी अपना न्यूक्लियस पास करेगा और ये भी। जिस स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियस होंगे या जिधर ये फ्यूजन हुई है, जब फ्यूजन हुई है हाइफा की, तो उसको हम क्या बोलते थे, प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी के टाइम पर क्या हुआ, इस हाइफे ने अपने न्यूक्लियस भी दे दिए और इसने अपने। अब जब प्लाज्मोगैमी हो चुकी है तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि काफी देर तक ये इसी स्टेज में रहे, काफी सालों तक ये इसी स्टेज में रहे। तो प्लाज्मोगैमी के बाद एक ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोरेंजियम। जिसको हम क्या बोल देते हैं, जाइगोस्पोरेंजियम। अब इसी जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर जब इसके भी न्यूक्लियस पड़े हैं, कलर डिफरेंट के साथ में शो करती हूँ आपको। अब अगर इसके भी न्यूक्लियस पड़े हैं, लेट सपोज इनको हम रेड के साथ मार्क करते हैं, रुको। तो अब इसके भी अगर न्यूक्लियस पड़े हैं और अब ये जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियाई है, जब ये फ्यूज करेंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। जब इसके और इसके दोनों हाइफे के जो न्यूक्लियाई हैं जब वो आपस में फ्यूज करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी। और ये किस स्ट्रक्चर में हुआ, जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर। अब फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर था वो क्या बना था, जाइगोस्पोरेंजियम, और उसकी प्लॉयडी क्या होगी, 2n। अब उसके पास दो न्यूक्लियस है ना, तो उसकी प्लॉयडी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डिप्लॉयड हो जाएगी। अब वहां पर हो जाएगी बच्चों मायोसिस। मायोसिस के थ्रू वहां से फिर से क्या बन जाएगा, एक स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे। फिर वही स्पोर्स आगे जर्मिनेट हो सकते हैं और फिर से वो एक नए माइसीलियम को जन्म देंगे और वहां से फिर से एक नई फंगस जो है वो फॉर्म हो सकती है। तो ऐसे इसके अंदर इसका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको इसकी रिप्रोडक्शन क्लियर हो गई है। तो बच्चों फाइकोमाइसीट्स के अंदर हमने कौन कौन सी एग्जाम्पल याद करनी है वो भी याद कर लो। उसके लिए निमोनिक है राम, तो आप राम निमोनिक से राम राम भजो और इसको याद कर लो जल्दी से। तो आर से आपने याद कर लेना है राइजोपस, राइजोपस। ए से आपने याद कर लेना है अल्बिगो और एम से आपने याद कर लेना है म्यूकर। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखोगे तो इतनी एग्जांपल्स आप इजीली याद कर पाओगे। राम राम याद रखो और ये आपको फाइकोमाइसीट्स की एग्जांपल्स इजीली याद हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब बच्चों बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप की फंगाई के बारे में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एस्कोमाइसीट्स, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सैक फंगाई। सैक फंगाई, यहां से याद कर लेना, सैको से सैक। इसका भी रीजन आपको पता चलेगा कि इसको हम सैक फंगाई क्यों कहते हैं। पहले इसमें हम इसकी एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं कि कौन कौन सी फंगस इसमें हमने पढ़ ली। इसके अंदर याद करेंगे हम निमोनिक, वो क्या है, ये पेन अस्प्रित ने क्लास में
ट्रफ, ट्रफ को ऐसे याद कर लेना कि तोड़ दिया, ठीक है। अस्प्रीत ने क्लास में पेन तोड़ दिया, ये निमोनिक हम याद कर लेंगे। तो ये का मतलब क्या है यहाँ पर, ईस्ट, पेन से पेंसिलियम, एस्प्रिट से एस्परजिलस, एन से ने से न्यूरोस्पोरा, क्लास से क्लेविसेप्स, एम से मोरल्स, ट्रफ से ट्रफल्स। तो बड़ी इजीली आपको इतनी एग्जांपल इस फंगाई की याद हो गई होंगी। तो बड़ी इजीली इतनी टाइप की फंगाई आपको याद हो जाएगी अगर आपने ये निमोनिक याद कर लिया। तो अभी बात करेंगे कि इसके फीचर्स क्या है। ये सेप्रोफाइटिक इन नेचर है, मतलब अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करती है, वो भी डेड इन डिकेइंग मैटर के ऊपर ये डिपेंड करती है और वहां से अपनी एनर्जी गेन करती है। दूसरा, ये एज ए डीकम्पोजर भी एक्ट कर सकती है बच्चों, डीकम्पोजर। अब सेप्रोफाइटिक है तो डीकम्पोजर भी होगी, ये पैरासिटिक भी हो सकती है, ठीक है। तो इतना हम याद रखेंगे। ये कोप्रोफिलस भी हो सकती है, इसका क्या मतलब है, ये कुछ अजीब सी टर्म है, ये नहीं कुछ गजब हुआ। इसका मतलब है बच्चों कि ये ग्रो कर सकती है काउ डंग के ऊपर, ठीक है, गंदी सी है, काउ की पॉटी के ऊपर भी ग्रो कर जाती है। अब बात करते हैं इसके हाइफा की। इसके हाइफा ब्रांच्ड भी होंगे और सेप्टेट भी होंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो इसके हाइफा हैं वो ऐसे ब्रांच्ड भी होंगे और उनके अंदर ये सेप्टम भी प्रेजेंट होंगे। तो मतलब ये है सेप्टेट, एंड यहाँ से देखो ऐसे ब्रांच बन रही है ना, तो ये ब्रांच्ड भी है। तो ये बात हम याद रखेंगे। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है कि ये सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों ही तरीकों से ग्रो कर सकती हैं। अगर ये सेक्सुअल स्पोर्स बना रही है तो इसके सेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, एस्पोस्पोर्स, क्या बोलते हैं, एस्पोस्पोर्स। अगर ये एसेक्सुअल स्पोर्स बना रही है, इसके एसेक्सुअल स्पोर्स को हम बोलते हैं कोनिडिया, क्या बोलते हैं, कोनिडिया। आगे इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में भी जानेंगे, इतनी बातों के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं एस्कोमाइसीट्स के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो जो एस्कोमाइसीट फंगाई है ये सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों ही तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकती है। पहली बात करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। इस फंगाई का जो माइसीलियम है वो स्पेशल तरह का है। वो कैसे, इसके जो हाइफे हैं बच्चों, एक तो वो सेप्टेट हैं और दूसरा वो ब्रांच्ड भी हैं। तो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड इसके हाइफे हैं। तो इसका जो माइसीलियम है, क्योंकि उसके बाहर की तरफ इसके एसेक्सुअल स्पोर्स ग्रो करते हैं, इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो इसके जो, याद रखो आप, इसके जो हाइफे हैं वो क्या है, हाइफे इसके अंदर ब्रांच्ड हैं एंड सेप्टेट हैं, ये बात हम याद रखेंगे। इसके बच्चों जो स्पोर्स हैं वो इसके बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, एक्सोजीनियसली इसके हाइफा के ऊपर ग्रो करते हैं। तो हाइफा के ऊपर जो ये स्पोर्स ग्रो करे हैं इनको हम बोलते हैं कोनिडिया, क्या बोलते हैं, कोनिडिया। और इस स्पेशल तरह के नेटवर्क ऑफ हाइफे को जिसके बाहर या एक्सोजीनियसली कोनिडिया या स्पोर्स ग्रो करे हैं उसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। उसको हम क्या बोलते हैं,
कॉनिडियो फोर, इतनी बात हम याद रखें। अब यही जो कॉनिडिया है यहां से जब कहीं जाकर के गिरेंगे और जर्मिनेट करेंगे, आफ्टर जर्मिनेशन ये फिर से एक नई फंगस जो है वो फॉर्म कर देंगे। तो ये क्या है, ये है इसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या है इसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उनको हमने क्या बोला, कोनिडिया। उनको हमने क्या बोला, कोनिडिया। और ऐसे स्पेशल माइसीलियम जिसके बाहर एक्सोजीनियसली कोनिडिया बने हैं उसको हमने क्या बोला, कोनिडियो फोर। अब पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब पढ़ेंगे बच्चों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो फंगस है अगर उसके जो स्पोर्स हैं, पहले ऐसे इसका हम क्या बना लेते हैं माइसीलियम, वो किसी और फंगस के स्पोर के साथ अगर इसका स्पोर फ्यूज हो जाए, यहां पर जाकर के फ्यूज हो जाए, तो ये क्या फॉर्म कर देगा वहां पर, एस्कस, एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कस। अब इसके अंदर दो न्यूक्लियस है, इसके पास दो न्यूक्लियस है। अब ये दोनों ही न्यूक्लियस से पहले जो ये स्पोर्स आपस में फ्यूज करे, और इस फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहां पर प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन हुई है तो इसे हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी के बाद काफी सालों तक, प्लाज्मोगेमी के बाद भी काफी सालों तक ये न्यूक्लियाई बिना फ्यूजन के इस स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम एस्कस बोलते हैं उसके अंदर ऐसे ही पड़े रहते हैं, और इस फेज को जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई विदाउट फ्यूजन पड़े हैं उसको हम बोलते हैं डाइकैरियोट फेज। क्या बोलते हैं उसको हम, डाइकैरियोट फेज, जिसके अंदर दो न्यूक्लियस ऐसे ही बिना फ्यूजन के पड़े हैं। अब आगे जब ये फ्यूजन, अब आगे जब यही न्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये इसका ऐसे हाइफे है, तो जब फ्यूजन हो जाएगी उसको हम बोलते हैं बच्चों कैरियोगेमी। उसको क्या बोलते हैं हम, कैरियोगेमी। बच्चों ये कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी के बीच में काफी सालों का गैप हो सकता है। एस्कोमाइसीट्स के अंदर डाइकैरियोन फेज में ही ये फंगाई जो है वो काफी सालों तक रह सकती है। तो यहां पर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स का गैप हो सकता है प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी के बीच। अब जब कैरियोगेमी हो गई है मतलब न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर गए हैं, तो यहां पर क्या होगी बच्चों, यहां पर इस एस्कस के अंदर होगी मायोसिस। क्या होगी यहां पर, मायोसिस। तो यहां से चार नए एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स क्या है, इसके स्पोर्स हैं। तो एस्कस के अंदर चार एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे। यहां पर एक एस्कस नहीं होता, यहां पर काफी सारे क्या होते हैं, एस्कस प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर ऐसे ही एस्कोस्पोर्स जो है वो बनते हैं। और वही जो एक एक जो ये है, जब इनको एस्कस को इकट्ठा हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एस्की। अब यही जो एस्की है वो किसके अंदर एनक्लोज रहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्को काप, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्को काप। अब यहां पर इन्हीं एस्की के अंदर क्या हो जाएगी, माइटोसिस, और वहां से
हर एक एस की के अंदर जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएंगे, अब आठ 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 एस्पोस्पोर्स हो जाएंगे। पहले चार थे, माइटोसिस की वजह से हर एक के अंदर अब आठ एस्पोस्पोर्स हो जाएंगे, ऐसे आठ आठ एस्पोस्पोर्स हो जाएंगे, हर एक के अंदर आठ एस्पोस्पोर्स बन जाएंगे। अब फिर यहां से क्या होगा, ये जो एस की है वो यहां से रप्चर हो जाएगा और रप्चर होने के बाद यहां से ये एस्पोस्पोर्स जो है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे और इन्हीं एस्पोस्पोर्स की फिर हो जाएगी जर्मिनेशन और जर्मिनेशन के बाद यहां से फिर से एक नई फंगस जो है वो फॉर्म हो जाएगी। हम पढ़ने वाले हैं बैसिलोमाइसीट्स के बारे में, बी से याद कर लेना, इनको कॉमनली बोला जाता है ब्रैकेट फंगाई और मशरूम्स या फिर पॉपबॉल्स, इसके अंदर हमने पढ़ना है, ठीक है। ब्रैकेट फंगाई इनको कॉमनली बोला जाता है, इसके अंदर हम मशरूम्स या फिर पॉपबॉल्स की बात करेंगे। अब ये जो आप देख पा रहे हो फोटोग्राफ, ये क्या है, मशरूम्स की फोटोग्राफ है जो कि बैसिलोमाइसीट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके जो जनरल फीचर्स हैं वो क्या हैं, एक तो ये जो फंजाई है वो इस सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म नहीं करती, इस सेक्सुअल स्पोर्स डज नॉट फॉर्म, ठीक है। इनके पास जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी तो ये उसके अंडर फ्रेगमेंटेशन करेगी, क्या करेगी ये फंगाई, फ्रेगमेंटेशन करेगी, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अपनी रिप्रोडक्शन करेगी, ये सेक्सुअली भी ग्रो कर सकती है। अब एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें बनते नहीं, वेजिटेटिवली जब ये ग्रो करेगी तो ये फ्रेगमेंटेशन करेगी, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो ये स्पोर्स फॉर्म करेगी जिनको हम बोलते हैं बैसिडो स्पोर्स, ये बात हम याद रखेंगे। इस फंगाई के जो हाइफे हैं वो कैसे हैं, वो ब्रांच्ड भी हैं और सेप्टेट भी हैं, ये बात हम याद रखेंगे। तो बच्चों ये हम देख रहे हैं एक लाइफ साइकिल जिसके थ्रू हम देख रहे हैं कि जो बैसिलोमाइसीट है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है। दो हाइफे आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे कि ये एक है। सबसे पहले बच्चों दो हाइफे आपस में कंबाइन करेंगे, जैसे कि एक ये वाला और दूसरा ये वाला। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो इनके बीच में एक स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहेगा और यहाँ पर जैसे उन्होंने दिखाया है, तो यहाँ पर जब ये फ्यूज करे आपस में तो इनकी जो ब्रांचेस हैं वो फ्यूज करेंगे, ब्रांचेस के थ्रू फ्यूजन होगी, तो दो डिफरेंट हाइफे के जो ब्रांचेस हैं वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे और वहां से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो कॉन्टिन्यूसली, तो वहां से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहेगा। अब इस फ्यूजन को जो ब्रांचेस के बिटवीन, जो ब्रांचेस के इन बिटवीन जो फ्यूजन हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी के टाइम पर क्या होता है, एक हाइफे का न्यूक्लियाई और दूसरे हाइफे का न्यूक्लियाई ऐसे इकट्ठे बिना फ्यूजन के पड़े रहते हैं, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज जो है वो काफी टाइम तक हो सकती है। तो अगर आप इस मशरूम को देखो जो यहाँ पर इसके नीचे आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, गिल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, गिल्स। इन्हीं गिल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ये न्यूक्लियाई। अब ये न्यूक्लियाई जब आगे चल करके फ्यूज होंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी, अब ये क्या है, गिल्स है बच्चों। इन्हीं गिल्स के अंदर जब कैरियोगैमी हो जाएगी
तो वहां से क्या हो जाएगा, एक बेसिडियम फॉर्म हो जाएगा। उस बेसिडियम के अंदर क्या लग जाएगी, मायोसिस, जिसके बाद हर एक बेसिडियोस्पोर जो है वहां से, तो जिसके बाद बेसिडियम के अंदर चार बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे। अब यही बेसिडियोस्पोर्स जो है वो बेसिडियम के बाहर एक्सोजीनियसली ग्रो करेंगे, ऐसे बाहर की तरफ देखो, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बाहर की तरफ ये ग्रो कर रहे हैं। तो बेसिडियम के बाहर की तरफ बेसिडियोस्पोर्स पड़े हैं और जो कि बाद में क्या हो जाएंगे, इससे अलग हो जाएंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे किसी और नई फंगस में। तो ये इस तरीके से सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चलता है। दोबारा से देख लेते हैं, दो डिफरेंट स्ट्रेन्स के हाइफे की ब्रांचेस आपस में फ्यूज करेंगी, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। जब एक स्ट्रेन का न्यूक्लियस दूसरे स्ट्रेन के न्यूक्लियस के साथ बिना फ्यूजन के पड़ा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे डाइकैरियन फेज। और ये जो डाइकैरियन वाली स्टेज है वो हमें फंगस के अंदर उसके गिल्स के अंदर दिखाई देती है। तो ये गिल्स के अंदर फिर जब ये न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे तो वहां से हो जाएगी कैरियोगैमी। फिर कैरियोगैमी के बाद यहां से बेसिडियम फॉर्म होंगे, बेसिडियम के अंदर प्रेजेंट रहेंगे ये स्पोर्स। अब यहां से मायोसिस होगी, मायोसिस के थ्रू हर एक बेसिडियम के अंदर चार बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे जो कि बेसिडियम के बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगे और यहां से फिर ये बेसिडियोस्पोर्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे किसी और नई फंगस के अंदर। तो ये लाइफ साइकिल हमें याद कर लेना है। इसके अंदर हमने बात याद रखनी है कि जो फंगस की बॉडी है वो क्या है, हैप्लॉइड है, तो उसके जो स्पोर्स भी होंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अब आगे। मशरूम्स के बारे में एक मिथ है कि जो मशरूम्स होती हैं वो हैवी रेन के बाद जब जंगलों में ग्रो करती हैं वो रिंग्स फॉर्म कर देती हैं जिनका डायमीटर सेवरल मीटर्स तक का होता है और इन्हीं रिंग्स को फेरी रिंग्स बोला जाता है। अब ये रिंग्स क्यों बनती है, मेरे पीछे आपको फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही हैं जिसमें हमें मशरूम्स के रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब जो ये मशरूम्स के रिंग्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, बच्चों जो मशरूम्स के हाइफे हैं उनका जो नेटवर्क होता है माइसीलियम, जब ये अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है तब ये इनएक्टिव होता है। जब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो ये माइसीलियम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के मिलने की वजह से। अब जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो सेंट्रीफ्यूगली क्या करेगा, ग्रो करेगा और उसमें से बनेंगे बैसिडो कार्प्स जो अभी अभी हमने पढ़े थे जब हमने सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था। तो वहां से जो बैसिडो कार्प्स हैं उसके ऊपर जो बैसिडो स्पोर्स हैं वो एरियली अरेंज हो जाएंगे और उनमें से फिर नई मशरूम्स जो हैं वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी क्योंकि माइसीलियम जो था वो सेंट्रीफ्यूगली क्या हो गया था, अरेंज हो गया था। अब वहां से मशरूम जब ग्रो करेगी तो वो भी एक सर्कुलर रिंग में ही ग्रो करेगी जिनको हम क्या बोलते हैं, फेरी रिंग्स। तो ये क्वेश्चन आप अभी छोड़ करके मत आइएगा अगर आपको पेपर में आया कि फेरी रिंग्स बनती हैं, ये एक मिथ है तो इस मिथ को आप एक्सप्लेन करें। तो आपने यही कॉन्सेप्ट बता देना है कि कैसे माइसीलियम जो है वो एक्टिवेट होता है और फिर वो सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करता है बैसिडो काप्स को और वहां से जो बैसिडो स्पोर्स एरियली अरेंज होकर के नई मशरूम्स को पॉपअप कर देते हैं और रिंग्स वहां से फॉर्म हो जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स की तरफ, बढ़ते हैं लास्ट ग्रुप की तरफ जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स एक्चुअल में कोई फंगस का ग्रुप नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर ऐसी फंगस है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करती। तो जो फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करती उसको हम इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। तो ये क्या है बच्चों, एक इम्परफेक्ट फंगाई है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इम्परफेक्ट
फंगाई है, ये बात हम याद रखेंगे, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती, इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स ही मिलते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स ही मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। ठीक है, तो जो भी फंगाई बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगी उसको हम इस ग्रुप में रखेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फंगाई। और जो फंगाई हमें इस ग्रुप में रखने के बाद अगर उसमें कोई भी फीचर दिखे कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, उसके पास सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं, तब हम उसको उठा करके पुरानी जो हमने ग्रुप्स बनाई थी एस्को माइसीट्स फाइकोमाइसीट्स उसमें हम रख देंगे। इस फंगाई के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, इसके भी जो हाइफे होंगे वो क्या होंगे, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होंगे, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होंगे, और उन्हीं जो हाइफे के ऊपर जो इनके एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कोनिडिया। तो अभी ये जो फंगस है ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकती है, मतलब ये अपने खाने के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करेगी, इसी वजह से ये डीकम्पोजर की तरह एक्ट करती है, डीकम्पोजर की तरह एक्ट करती है, मतलब ये लिटर के ऊपर एक्ट करेगी और मिनरल रिसाइकलिंग में हमारी हेल्प करेगी, ये इसकी इम्पॉर्टेंट फीचर है, मिनरल रिसाइकलिंग में हमारी मदद करेगी। एग्जाम्पल में हम इसके अंडर पढ़ेंगे अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, तो ये दो एग्जाम्पल्स हमने इसके अंडर पढ़नी है। तो बच्चों इसमें से जो ये अल्टरनेरिया है ये कहाँ पर हमें दिखेगी, जब हम फ्रूट्स की कोल्ड स्टोरेज करते हैं तो कभी कभार उन फ्रूट्स के ऊपर आपको वाइटिश सा कुछ पाउडरी सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो क्या है, वो है अल्टरनेरिया। तो कोल्ड स्टोरेज के टाइम पर आपको ऑन फ्रूट्स ये दिखाई दे सकती है, तो ये बात हम याद रखें। ट्राइकोडर्मा जो है बच्चों ये प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, कैसे, क्योंकि ये उनको डिजीज से बचाती है, डिजीज प्रोटेक्शन देती है, ये उनको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने में उनकी हेल्प करती है, तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। तो ये दो तरह की हम फंगस इसके अंदर याद रखेंगे। और एक बात और, ये पैरासिटिक भी हो सकती है, ये पैरासिटिक इन नेचर भी है, तो ये बात भी हम याद रखेंगे। तो बच्चों जो ये आपको वुडलॉक के ऊपर फंगस दिखाई दे रही है ये कौन सी है, ये डिचेरोमाइसीट ही है। सो विद दैट वी आर डन विद आवर टुडेज लेक्चर, आई होप आपको सारे के सारे कैरेक्टर्स एंड लाइफ साइकिल्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स है देन यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।